वेलकम बैक नाजरीन नाजरीन जैसे तो अस गाल बोल कर रहे हूँ कोरोना वायरस की सूरत हाल सियासी जो धरना थी रहा सियासी गैदरिंग थी रही गडजाणी थी रही इन वक्त केतर नुकसानदेहन इन हवा से गाल बोल कंदी साजिद शाह साहब अस मौजूद हैं तर्जुमान हैं वजारत सेहत जहाँ शाह साहब बड़ी मेहरबानी आपने अपना कीमती वक्त दिया। शाह साहब सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि इस वक्त जो कोरोना वायरस की जो दूसरी लहर है वो जून जुलाई की लहर से कितनी नुकसानदेह है या उस तरह की लहर है उस तरह का नुकसान पैदा करेगी मौजूदा सूरत हाल में कोरोना? जो हमारी पहली लहर थी वो इतनी खतरनाक नहीं थी, जो दूसरी लहर है इस वक्त वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। तो पहली लहर में जो हुकूमत ने हुकूमती इकदाम किए थे स्पेशल खसूसी तौर पर जो एनसीयूसी ने बैठकर जो एक प्लेटफॉर्म पे जो हमने तमाम वफाक सूबों और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो एक ओनरशिप ली थी और उसके जो हमने इकदाम और हिकमत अमली बनाई थी और पहली लहर में तो हमने साबित किया बल्कि दुनिया ने हमारी तारीफ की कि हमने जो पहली लहर में इकदाम किए थे और उसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आए और मस्बत आए और उसमें मीडिया ने भी एक अहम रोल प्ले किया, अवाम ने भी हमारा बड़ा साथ दिया और दुनिया ने हमारी तारीफ की कि हमारे जो इकदाम थे बड़े मुअसर थे और उसमें हमने एक बड़ी कामयाबी हासिल की थी। अब ये दूसरी जो लहर है उससे ज्यादा खौफनाक भी है, खतरनाक है, क्योंकि अब असल वजह यह है कि लोगों के अंदर वो खौफ खत्म हो गया है। लोग समझ रहे थे कि कोरोना अब खत्म हो, जो हमारी कामयाबी हमें मिली थी ना तो लोगों ने ये समझा कि वो कोरोना खत्म हो गया है। तो हमारी आवाम से यही अपील है कि जिस तरह पहली जो जंग हमने जीती थी, ये कोरोना एक वायरस है, एक जंग थी, इस वबा में जो हमने उन्होंने पहली दफा हमारा साथ दिया था मीडिया ने, लोगों ने, और हमने कामयाबी हासिल की और हमारे लिए बड़ी फख्र की बात है कि दुनिया ने भी हमारी इस कामयाबी की तारीफ की थी। तो आइए मिलकर उस जीती हुई जंग को दोबारा हम ऐसी सिचुएशन ना पैदा करें कि हमारी वो कोरोना की लहर फिर ज्यादा हो जाए और मुश्किल गवर्नमेंट भी मुश्किल में पड़े और आवाम भी खुद मुश्किल। शाहजा ये बताइएगा कि इस वक्त क्योंकि सर्दियों का मौसम है जो कोरोना के नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं नजला जुकाम इस तरह के सिम्टम्स बताए जाते हैं जो बुनियादी सिम्टम्स जिसे निशानियां बताई जाती हैं कि ये कोरोना की निशानियां हैं वो इन दिनों में आम है तो लोग किस तरह एहतियात करें, किस तरह उनको पता चलेगा कि ये जो नजला जुकाम हमें हो रहा है या जो उनको हो रहा है ये कोरोना नहीं है या कोरोना है, तो उसके लिए क्या सूरत है? कोई हर बंदा तो टेस्ट नहीं करवा सकता। नहीं नहीं हमारी हमारी हमने एक टीटीक्यू पॉलिसी है, टेस्टिंग ट्रेसिंग एंड क्वारंटाइन की पॉलिसी है और हमारी वो एक वेबसाइट भी बनी हुई है, हेल्पलाइन भी बनी हुई है 1166। अगर किसी को सिम्टम्स आते हैं तो हमारा NIH कौमी इदारा सेहत इस्लामाबाद में वहां पे भी टेस्ट हो रहे हैं, हमारी टीमें भी कह रहे हैं। अगर किसी को ये शुबा है कि उसे नजला जुकाम खांसी या दर्द या बुखार की अलामत आ रही हैं तो उसको जरूर टेस्ट करवाना चाहिए और हुकूमत पाकिस्तान वो टेस्ट फ्री कर रही है। अच्छा शाह साहब जो गैदरिंग्स हो रही हैं गैदरिंग्स होती हैं जो भी गैदरिंग हम सियासी गैदरिंग कहें अवामी गैदरिंग कहें या मार्केट्स में लोग बड़ी तादाद में इकट्ठे होते हैं सस्ते बाजारों में इकट्ठे होते हैं इस तरह की गैदरिंग अभी भी मौजूद हैं अभी भी हम देख रहे हैं गैदरिंग्स होती हैं तो वो कितने नुकसानदेह हैं? अवाम को तो हम बता बता के शायद हम थक गए हैं, आप लोगों भी मैसेज करने करते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर हम कैसे बता सकते हैं कि ये गैदरिंग कोरोना कैसे फैला सकती हैं इसकी जरा वजाहत कीजिएगा। मैं आपको बताऊं कि जो वायरस है वो तो किसी का आया नहीं करता ना कि आप गैदरिंग में हैं, जो हुकूमत ने SOPs दिए हैं, जो हुकूमत ने अवेयरनेस जो एहतियाती तदाबीर बताई हैं और जो SOPs उन्होंने बताए हैं तो इस पर आवाम को अमल करना चाहिए, कम अज कम मास्क जरूर पहनना चाहिए, जो जहाँ पे ज्यादा गैदरिंग हो वहां पे नहीं जाना चाहिए, गैर जरूरी सफर नहीं करने चाहिए, गैर जरूरी जगह पे जहाँ पे गैदरिंग हो वहां पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वायरस ने किसी का ये आया नहीं करना, ये मजबूरी की वजह से आया है, ये शौक की वजह से आया है, तो वायरस किसी का आया नहीं करता। तो हमें मास्क करना चाहिए, हैंड सैनिटाइजर यूज करना चाहिए और हुकूमती इकदाम जो है उस पर उन SOPs पर अमल दरामद करना चाहिए वरना मुश्किल में पड़ जाएंगे। अच्छा शाह साहब एक चीज ये भी पूछना चाहेंगे कि इस वक्त मौजूदा वक्त में जो 5 माह पहले वाले गुजरे थे जो मार्च के महीने से लेकर अगस्त तक लॉकडाउन रहा मरला वाला लॉकडाउन रहा उसके नतीजे में यकीनी तौर पे पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी हासिल हुई, दुनिया के दूसरे ममालिक की निस्बत कोरोना बहुत हद तक कम हुआ, तो इस वक्त जो सूरत हाल है कुछ ऐसे लग रहा है कि कुछ लोगों की तरफ से कुछ कोरोना के वाले में जो डिस्क्राइब किया जाता है इसके बारे में उसका मफहूम जो बताया जा रहा है कि वो ये कहा जा रहा है कि शायद इतना नुकसानदेह नहीं है, जो शायद लोग अपने मफादात की खातर या अपने मतलब की खातर इस तरह के मफहूम पेश कर रहे हैं, तो हम कैसे कन्वे कर सकते हैं लोगों को बता सकते हैं
कि ये कोरोना वही कोरोना है जो 5 माह पहले, 5 माह तक हमने उसके वाले से मुकाबला किया, उसके नतीजे अच्छे निकले, और ये कोरोना वही कोरोना है जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है, ये कोई मुख्तलिफ नहीं है। नहीं नहीं इसमें तो कोई शक नहीं, ये वही कोरोना है और ये दूसरी लहर से ज्यादा खतरनाक है, इसमें शरह आबाद भी ज्यादा खतरनाक आई है। आप देख लें कि हमारा हेल्थ सिस्टम जो है, हेल्थ सिस्टम इस बात की भी निशानदेही कर रहा है कि ओवरलोड हो रहे हैं, अस्पतालों में गुंजाइश कम बन रही है। तो लोगों को एहतियात करनी चाहिए कि ये एक बीमारी है और पूरी दुनिया में इस बीमारी को, बीमारी फैली है पूरी दुनिया में फैली हुई है। तो हमें इस बात पे तो मुझे समझ नहीं लगती कि जो लोग कह रहे हैं कि वो काम खतरनाक है, ये तो बीमारी है। ये तो अभी हाँ उस वक्त उसका अटैक इतना नहीं था, हो सकता है कि इस वक्त दूसरी लहर में इसका अटैक शदीद हो, तो हमें उस चीज पर जरूर अमल करना चाहिए। इस बहस में नहीं जाना चाहिए कि कम अटैक वाली है या ज्यादा अटैक वाली, बीमारी है, वायरस है, इससे बचना चाहिए, अपने बच्चों को भी बचाना चाहिए, अपनी फैमिली को, अपने खानदानों को, तो ये हमें बचाना चाहिए, इसमें कोई दो राय। शाह साहब आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि हमने मुख्तलिफ सिम्टम या मुख्तलिफ जिस तरह टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया कोरोना के खात्मे के लिए, एक लॉकडाउन इस्तेमाल किया, स्मॉल लॉकडाउन, माइक्रो लॉकडाउन, इस तरह की टर्म्स इस्तेमाल की गई, इस तरह के एम्प्लीमेंट किया गया उस तरह के लॉकडाउन पर, और उससे काफी फर्क भी पड़ा, तो मुस्तकबिल में क्या स्ट्रेटेजी अपनाने का इरादा है वजारत सेहत की जानब से, NCOC की जानब से? जैसे स्कूल तो बंद कर दिए गए, उसका फैसला भी आ गया, अब आगे चल के अगर ये वायरस ना रुका तो क्या मार्केट्स भी बंद करने का फैसला किया जा सकता है, या उसी तरह का लॉकडाउन लगाया जा सकता है जो जून जुलाई या मई के महीने में था? मैं आपको बताऊं कि हमारी NCOC में रोजाना जो मीटिंग होती है वो अदाद व शुमार के मुताबिक हालात की कड़ी निगरानी की जा रही है और वो डाटा बेस पे उसकी निगरानी की जा रही है। और जहां आप देखते हैं कि जहां पे स्मार्ट लॉकडाउन करना है, जहां पे कोई क्या एक्शन लेने हैं, जहां पे स्कूल बंद करने हैं, तो वो हम डाटा बेस पे रोजाना हमारी टीम में वफाक और सूबे मिलकर बैठते हैं और वो फैसला करते हैं और अदाद व शुमार के मुताबिक फैसला करते हैं कि अब हमें क्या सूरत हाल अपनानी चाहिए, कहाँ पे ज्यादा कोरोना का वायरस बढ़ रहा है तो वहां पे क्या इकदाम होने चाहिए। तो वहां पे हम जो डिसीजन लेते हैं फिर उसको इंप्लीमेंट करते हैं और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मीडिया और आवाम हमारा साथ देगी और इंशाल्लाह जिस वफाक और सूबे हम सब मिलकर और एक NCOC उसमें एक बड़ा अहम रोल अदा कर रहा है, उसकी वजह से उम्मीद है कि इस दूसरी लहर में भी आवाम के तआवुन से हम इंशाल्लाह इसको भी काबू पाने में 100% कामयाब हो। बहुत शुक्रिया साजिद शाह साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया और कोरोना वायरस की जो हालिया सूरत हाल में वजारत सेहत की जानब से जो इकदाम उठाए गए उसके वाले से तफसीली तौर पर आगा किया। नाजरीन साजिद शाह सा गाल बोल के सी हिंदर वटना सी ब्रेक ही ब्रेक खां पो नजीर सांगी तालीमी मायरा सा अगर मौजूदा हिंदर वटना सी ब्रेक ही ब्रेक खां पो आदत नाजी।